नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग यूपीएससी या यूपी पीसीएस का जो आपका सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र थर्ड है, अर्थात जो तृतीय प्रश्न पत्र है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि दरअसल किस तरीके से आपको इस पेपर की प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से बुक्स को आपको पढ़ना है, कौन कौन सी वेबसाइट यूज करनी है आपको, कौन कौन सी मैगजीन्स यूज करनी है, और क्या कुछ इसमें आपको अलग तरीके से करना है जिससे कि आपका जो यूपी पीसीएस का या यूपीएससी का जो पेपर थर्ड है आपका, वो क्या हो, आपका प्रिपेयर हो जाए। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी कैसे तैयार करें सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा पेपर थर्ड, यानी कि मेंस का जो पेपर थर्ड है आपका, वो हम किस प्रकार से प्रिपेयर करें। एक बात मैं यहां पर बताना जरूरी है आपके लिए कि सबसे पहले मैंने कई बार बोला है और मैं फिर से इस बात को दोहरा दे रहा हूं कि जो भी आपकी सामान्य अध्ययन के जितने भी प्रश्न पत्र हैं मुख्य परीक्षा के, एक एक पॉइंट आपको सिलेबस का क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको जो है सिलेबस का पता नहीं होगा, जब तक आपको सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारी चीजें अगर आपको पता नहीं होंगी, तो तब तक आप दरअसल चीजों को ठीक ढंग से समझ नहीं पाओगे और क्या होगा, और आपको दरअसल प्रॉब्लम होना लाजमी होगा। तो ऐसे में पूरा सिलेबस, मैंने पहले भी बताया था, जिस दिन मैंने आपको पेपर सेकंड की स्ट्रेटजी बताई थी उसी दिन मैंने आपको बताया था कि आपको सिलेबस की जानकारी का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को नहीं समझोगे, जब तक आप सिलेबस को नहीं जानोगे, तो क्या होगा कि आप चीजों को कोरिलेट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई मुद्दा आ गया है, कृषि से संबंधित कोई मुद्दा चल रहा है, चर्चाओं में है, और आपको यह नहीं पता है कि यह पर्टिकुलर मुद्दा किस पेपर का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है, तो आप उसको प्रिपेयर कैसे करोगे। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपको सिलेबस की प्रॉपर तरीके से समझ होना क्या है जरूरी है। जब तक आपको सिलेबस की समझ नहीं होगी, तब तक आप चीजों को सही ढंग से नहीं कर पाओगे। इसके लिए जरूरी है कि आप क्या करें, अपने टेबल पर, आपके वॉल पर जो है सिलेबस को चिपका लें। और मैंने पिछले दिवस में कहा था आपसे, अगर आपको याद होगा, कि आप लोग जो है बेसिकली क्या करिएगा, आप लोग जो है जितने पेपर सामान्य अध्ययन के हैं, मैंने बताया था जिस दिन मैंने पेपर सेकंड की स्ट्रेटजी बताई थी उस दिन भी मैंने आपको ट्रिक बताया था, जिस दिन मैंने आपको पेपर जो फर्स्ट है उसकी स्ट्रेटजी बताई थी उस दिन भी मैंने आपको सेम वही चीज बताई थी। ठीक है, तो आज दोबारा से मैं उस चीज को बता दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है वीडियो पर कुछ लोग नए हो, वो नहीं समझ पा रहे हो चीजों को, तो आज दोबारा से मैं इस बातों को दोहरा देता हूं। अगर आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है प्रॉपर तरीके से, अभी हम लोग आएंगे कि कैसे प्रिपेयर करें, लेकिन उसके पहले चीजों को थोड़ा सा समझ आप लीजिए कि कैसे करना है आपको। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यूपीएससी में क्या है आपके, बेसिकली यूपीएससी में आपके कितने पेपर हैं, यूपीएससी में आपके पेपर हैं टोटल सामान्य अध्ययन के कितने, जीएस के हैं आपके टोटल 4 पेपर। जबकि अगर हम यूपी पीसीएस की बात करते हैं, अगर हम बात यूपी पीसीएस की करते हैं, तो यहां पर जीएस के कितने पेपर हैं, 6 पेपर हैं, राइट, ऐसा ही है ना। जो ये 4 पेपर आपके हैं यूपीएससी के, और यहां के जो 4 पेपर हैं, ये 4 पेपर स्टार्टिंग के क्या हैं, सेम हैं, एज इट इज सेम हैं, कहीं कोई खास डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब ये हुआ, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सामान्य अध्ययन के जो 4 पेपर दिए गए हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं, हूबहू हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप निबंध वाले पॉइंट में जाओगे तो वहां भी क्या है, सब चीजें सेम है, हिंदी भी लगभग लगभग सेम है। हिंदी वहां पर क्या है, क्वालिफाइंग नेचर की है यूपीएससी में, जबकि यहां पर पीसीएस में क्या है, मार्क्स ऐड होते हैं। ठीक है, वहां का यूपीएससी का जो निबंध का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस होता है एक तरीके से कहीं ना कहीं। ठीक है, और लेकिन जो पीसीएस का जो एसए होता है क्या होता है, टू द पॉइंट होता है, जहां पर कोई भी बहुत बड़ा आपको वहां पर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बेसिक, बाकी इंग्लिश वहां पर होती है, क्वालिफाइंग होती है, यहां पर इंग्लिश नहीं होती है, राइट। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, लेकिन जो 4 पेपर सामान्य अध्ययन के जो होते हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग जो 4 पेपर यूपी पीसीएस के हैं, ये क्या है, एज इट इज क्या है, सेम है। यहां पर एक डिफरेंस होता है यूपी पीसीएस में, यहां पर जो आपका पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर जो 6 है, ये क्या है, ये यूपी स्पेशल का है, जिसको क्या किया गया, एड ऑन किया गया। कब एड ऑन किया गया, जब इसकी जगह पर ऑप्शनल था तब। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके, ओके। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो अब आपको क्या काम करना है कि यूपी पीसीएस के लिए आपको क्या करनी है, 6 कॉपियां बनानी है। कितनी कॉपी बनानी है, 6 कॉपी आपको बनानी है। ठीक है, याद रखिएगा, 6 कॉपी आप बनाइएगा, और हर कॉपी के पहले पेज पर क्या करिएगा, आप सिलेबस को क्या करिए, चिपका दीजिए। जितनी कॉपी बनाएंगे, बाइंडिंग वाली, स्पाइरल वाली जो कॉपी आती है उसको बनाइए, ताकि उसमें पेज आप बाद में एड ऑन कर पाए। मोटी कॉपी बनाइएगा ताकि पूरा प्रश्न पत्र उसमें आ जाए।
तो 6 कॉपी बनाइएगा आप। कितनी कॉपी? आपको 6 कॉपी बनानी है, और 6 कॉपी बनाने के बाद हर कॉपी के पहले पेज पर आपको सिलेबस को चिपका देना है, और उसके बाद सिलेबस में जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसी के अनुसार प्लस पीवाई किस को देखते हुए, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी के आधार पर दरअसल आपको टू द पॉइंट क्या करने हैं, नोट्स बनाने अपने स्टार्ट कर देने हैं। नोट्स बनाने का तरीका ऑलरेडी हमने पहले आपको बता रखा है, आज मैं यहां पर डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। इतना मैं आपसे बस कह दे रहा हूं कि आपको जो नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स जो बनाने हैं, टू द पॉइंट बनाने हैं, या फ्लो डायग्राम के फॉर्म में आप बनाइए, चीजों को छोटे छोटे लिखते दीजिए, ठीक है, ऐसे कुछ बनाइए, थ्योरी बहुत मत लिख लिए, आप कुछ इस तरीके से उसको जो है समराइज करिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई इस टॉपिक में ये चीजें हमें लिखनी है। तो इस तरीके से सभी जो है नोट्स आप बनाना क्या करिए, शुरू कर दीजिए भाई साहब। अगर आपका लक्ष्य 2024 का है तो भी, 25 का है तो भी, आगे का है तो भी, ठीक है। प्रीलिम्स अभी फिलहाल 2024 की अगर हम बात करते हैं, 2024 का प्रीलिम्स फिलहाल कब होगा, अभी तक इसकी कोई भी जो गारंटी नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या काम करना है कि चीजों को आपको थोड़ा सा समराइज वे में नोट करते हुए चले जाना है। ये मैंने आपको बताया क्या बेसिक चीज जो आपके लिए क्या है, बहुत ही अहम है। बीच बीच में पेजेस को आप छोड़ दीजिए, आप ब्लैंक कर दीजिएगा। क्यों ब्लैंक करिएगा? क्योंकि अगर कोई करंट का टॉपिक एड ऑन होता है तो उसको आप यहां पर नोट डाउन कर सकें, या फिर कोई पेपर की कटिंग है, एडिटोरियल का कोई कटिंग है, कोई अच्छा सा, ठीक है, गवर्नेंस के ऊपर का आ गया, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर कोई आर्टिकल आ गया, उन आर्टिकल्स को पेपर की कटिंग को कट करके आप अपनी कॉपी में क्या कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। यही सेम काम आपको एक और करना है, बहुत अच्छा। यदि आपके पास लैपटॉप है, यदि आपके पास फोन है, ऑफकोर्स फोन तो होगा ही होगा, आप क्या काम करिए, वर्ड फाइल बनाइए, ठीक है। वर्ड फाइल में 4 फोल्डर बनाइए, ठीक है, 4 अलग अलग फोल्डर बनाइए लैपटॉप में या फिर अपने फोन में, और या 6 फोल्डर बनाइए यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहां पर जो चीजें आपको विकिपीडिया से, करंट से जो चीजें लगे कि यार ये इंपॉर्टेंट है, सीधे साइट से, वेबसाइट से आप कॉपी करिए, अपनी वर्ड फाइल में, अपने फोल्डर में उसको पेस्ट करिए। जब कुछ कंटेंट इकट्ठा हो जाए तो पीडीएफ बना करके उसका प्रिंट आउट कर लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आपका क्या होगा, नोट्स बेसिकली क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो ये बातें जो मैंने बताई ये बहुत अहम है, इसको प्लीज आप लोग करने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा। तो अभी तक हमने आपको पेपर सेकंड की स्ट्रेटजी बता दिया है, पेपर फर्स्ट की स्ट्रेटजी हमने बता दिया है, आज हम बता रहे हैं आपको पेपर थर्ड की स्ट्रेटजी, अगले दिन बताएंगे कि आपको पेपर फोर्थ की स्ट्रेटजी, फिर उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ पेपर की, राइट। चलिए अब बिना देरी के पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बेसिकली क्या, थोड़ा सा हम देखते हैं पेपर थर्ड। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी बेसिक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपके सामान्य धन के जो 4 पेपर हैं, क्या जीएस पेपर फर्स्ट जो आपका है, ठीक है, जीएस सेकंड जो है आपका, जीएस थर्ड है, और जीएस जो फोर्थ है आपका, बाकी ये 5 और 6 तो यूपी स्पेशल का है, ठीक है, यूपी स्पेशल। अब देखो ये जो पेपर सेकंड और पेपर जो थर्ड है ये टोटली करंट ओरिएंटेड है, मोस्टली इसके जो क्वेश्चंस होंगे क्या कैसे आएंगे, सामान्य अध्ययन द्वितीय और सामान्य अध्ययन तृतीय, यानी कि पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, ये तीनों दोनों ही पेपर क्या है, टोटली करंट ओरिएंटेड है, ज्यादा इसमें करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। यह बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, यानी कि बुक्स से ज्यादा नॉलेज आपको मैगजीन पर अपने और न्यूज़पेपर पे आपको जो है पकड़ अपनी रखनी है, राइट। चलिए अब हम आते हैं सीधे तौर पर पेपर थर्ड की हम बात करेंगे, क्योंकि पेपर थर्ड की स्ट्रेटजी को हमें आज समझना है। पहले हम लोग क्या काम करेंगे, थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि बेसिकली सिलेबस में क्या कुछ है, लेकिन उसके पहले मैं आपको चीज बता दूं कि इसमें बेसिकली जो पेपर हैं कौन कौन से पेपर इसमें आएंगे, ठीक है, नॉर्मल तरीके से। तो इसमें जो सारे पेपर आएंगे वो कौन से आएंगे, इकोनॉमिक्स की, यानी कि आप जानते होंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स आएगा इसमें, पहला सेक्शन बड़ा सेक्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक बड़ा सेक्शन ये है, दो बड़े सेक्शन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, क्या इकोनॉमिक्स का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ध्यान रखिएगा बेसिक साइंस इसमें नहीं है, टेक्नोलॉजिकल जो साइंस होती है, स्पेस साइंस जो होती है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी, जनरल साइंस जो है वो आपके प्रीलिम्स में दी गई है, याद रखिएगा, ठीक है, प्रीलिम्स में जनरल साइंस है, ओके। इसके अलावा एनवायरमेंट एक बड़ा सेक्शन है इसमें, आप इसको पढ़ेंगे, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट और यानी कि आपदा प्रबंधन, और इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा, और इसमें बीच बीच में कुछ टॉपिक आपको अंतरराष्ट्रीय भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इतने जो है विषय आपके पेपर थर्ड में क्या है, ये पेपर थर्ड का क्या है, मोटा मोटा एक सिलेबस है, यानी कि इस पेपर थर्ड में आपको इतने विषयों को क्या करना रहेगा, पढ़ना रहेगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, और टोटली क्या है, लगभग लगभग जो इसका हिस्सा जो है वो क्या है,
करंट ओरिएंटेड है, यह बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है, यानी कि मैगजीन वगैरह पर फोकस करना है। अब कौन सी मैगजीन पढ़ेंगे, कौन सी वेबसाइट पढ़ेंगे, ये हम लोग अभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले एक बात थोड़ा सा हम लोग सिलेबस पर जरा क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि दरअसल आपका सिलेबस ऐसा, सिलेबस में क्या कुछ है। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है भारत में आर्थिक नियोजन उद्देश्य एवं उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका एवं सतत विकास के लक्ष्य। ये क्या है पोर्शन, ये पोर्शन है बेसिकली आपका किसका, इकोनॉमिक्स का। किसका सिलेबस है ये पार्ट है आपका इकोनॉमिक्स का, यानी कि यहां से आपकी पॉइंट नंबर वन से जो है क्या होता है, इकोनॉमिक्स आपकी स्टार्ट हो जाती है। क्या, इकोनॉमिक्स आपकी स्टार्ट हो जाती है, नोट करते चलना, ठीक है, बहुत बेसिक है, कुछ जो है ज्यादा इसमें दिक्कत आपको नहीं है। इकोनॉमिक्स में अगर चार पांच पॉइंट्स पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो क्या कहते हैं, आप सभी चीजों को ठीक ढंग से दरअसल कर पाएंगे। जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, भूमि सुधार हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, ये सब, खाद्य सुरक्षा हो गया, ये कुछ चार पांच पॉइंट हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द दरअसल इकोनॉमिक्स में मेंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा में जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है बहुत टफ नहीं है, आसान है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इकोनॉमिक्स प्री में थोड़ा आपको कठिन पड़ सकती है, लेकिन मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आपको जो है बहुत कठिन नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा समझने का फेयर रहेगा। अगर आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर रखेंगे, अगर थोड़ा आपसे बुद्धि अगर आपकी तीव्र होगी, तो निश्चित तौर पर इकोनॉमिक्स में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि बेसिक आपका क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, राइट। चलिए इसके अलावा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गरीबी के मुद्दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गरीबी हो गया, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एवं समावेशी विकास, ये सब पॉइंट ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं पढ़ते रहे होंगे, प्लेन में सब पढ़ा होगा आपने। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस अगर बात करें, पेपर सेकंड में भी आप पढ़ते हो। देखो क्या है ना कि कुछ चीजें कोरिलेट करती हैं, जैसे कि पेपर फर्स्ट में जो इंडियन सोसाइटी का सेक्शन है वो सोशल जस्टिस से कोरिलेट करता है, ठीक है, फिर गवर्नेंस और सोशल जस्टिस पेपर सेकंड में कोरिलेट करता है। सामाजिक न्याय, देखो ऑलरेडी आप सामाजिक न्याय पेपर सेकंड पढ़े होंगे, यहां पर भी है। समावेशी विकास कहीं ना कहीं आप ईवीएस में ही पढ़ते हो, यहां पर भी है। सब विषय क्या है, अंतर संबंधित होते हैं। ध्यान रखना, जब आप अपने उत्तर को लिखोगे तो अंतर संबंधों को साथ में लेकर आपको चलना है, यानी कि इंटीग्रेटेड आपको आपकी अप्रोच होनी चाहिए। यह विशेष तौर पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। समावेशी विकास बहुत आसान टॉपिक है, मुझे नहीं लगता है कि पेपर सेकंड में आपको क्या होगा, कोई दिक्कत होगी, ठीक है। इसके अलावा सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली, यानी कि बजट कैसे बनता है, बजट प्रक्रिया क्या होती है, पूरी की पूरी जो प्रणाली या बजट प्रक्रिया की यहां पर पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख फसलें बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहां से प्रश्न जो है प्रमुख फसलों से आते हैं, याद रखिएगा। विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि, यानी कि जो इरिगेशन टेक्निक होती है, चाहे नलकूप वाला हो, चाहे पंपिंग सेट के हो, कोई भी टेक्निक हो, नहर प्रणाली हो, ये सभी चीजें जो है इसमें आएंगी अलग अलग तरीके से। इसके अलावा विधि एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ठीक है, धुलाई एवं विपणन, विपणन मतलब मार्केटिंग, ठीक है, धुलाई एवं विपणन, ये हो जाएगा क्या, किसानों, ठीक है, यहां पर बड़ा कर दिए, किसानों की सहायता है तो ई तकनीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नई टेक्नोलॉजी है। और ध्यान रखिएगा कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए मैंने कहा था ये पेपर जो है आपका सामान्य ध्यान का थर्ड पेपर क्या है, टोटली करंट ओरिएंटेड है, यानी कि किसानों की सहायता है तो ई तकनीकी, यानी कि क्या ई टेक्नोलॉजी जो है आ रही है, जैसे ई गवर्नेंस आप पढ़ते हो कहां पर, पेपर सेकंड में, ठीक उसी प्रकार से ई तकनीक, यानी ई टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, जिससे जो है क्या हो, किसानों की ढुलाई वगैरह में, किसानों को सामान बेचने में, मार्केटिंग करने में क्या हो, आसानी हो। और इसीलिए आप लोग को पता होगा कि डिजिटल मिशन चलाया जा रहा है, डिजिटलीकरण का दौर चल रहा है, ब्रॉडबैंड की सुविधाएं गांव तक पहुंचाई जा रही है, ताकि हर व्यक्ति अपने घर पर बैठे हुए अपने सामानों की विक्री कर सके, लेन देन कर सके। तो ये ई टेक्नोलॉजी जो है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में इसका बहुत अहम है। हो सकता है आपके परीक्षा में यही पूछ ले कि हाल फिलहाल में चल रही ई टेक्नोलॉजी, यानी कि ई तकनीक से किसान की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या किसान इसका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, या यह भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को, या भारत की कृषि को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, समीक्षात्मक टिप्पणी करें या टिप्पणी करें, ऐसा कुछ प्रश्न जो है आपके एग्जाम में ई तकनीक से पूछा जाता है, यानी कि कृषि में ई टेक्नोलॉजी का, यानी कि ई कृषि ई तकनीक का क्या कुछ उपयोग हो सकता है, राइट, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि अनुदान, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम समर्थन मूल्य अक्सर चर्चाओं में रहता है, पूछ लिया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी आय पर, ठीक है, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य किस किस जो है फसलों का तय करना चाहिए, क्यों तय करना चाहिए, बहुत सारी बातें आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देखने को मिलती हैं और ये अक्सर वाद विवाद में जो है रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अलावा यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे जो भी इश्यूज होते हैं इससे जुड़े वो आपको पढ़ना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, इसका उद्देश्य क्या है, क्रियान्वयन बहुत इंपॉर्टेंट पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसके अलावा इसका क्रियान्वयन परिसीमाएं क्या है, सुदृढ़ीकरण है, खाद्य सुरक्षा एवं बफर भंडार, कृषि में तकनीकी अभियान, ये सब क्या है, ये सब जो है आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। ये सभी पॉइंट्स अभी कैसे चल रहे हैं, ये सभी अभी आपके इकोनॉमिक्स की ही चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 ये भी इकोनॉमिक्स का है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज प्री एग्जामिनेशन, यानी कि मेंस आल्सो प्री, बहुत इंपॉर्टेंट। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या होती हैं, फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, इस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रकार के प्रश्न दरअसल फूड प्रोसेसिंग से यानी कि खाद्य प्रसंस्करण से पूछे जाते हैं भाई साहब, तो याद रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है। यानी कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग कार्यक्षेत्र एवं महत्व, यानी कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, स्थान निर्धारण, ऊर्ध्व अधो प्रवाह आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, और इसके अलावा भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, यह भी क्या है, लैंड रिफॉर्म जो हुआ था, कहीं ना कहीं आप इस पॉइंट को हिस्ट्री में ही पढ़ते होंगे लैंड रिफॉर्म, लेकिन यहां पर आपको कैसे पढ़ना है, यहां पर आपको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ से पढ़ना है कि जो लैंड रिफॉर्म हुए हैं किसके बाद, स्वतंत्रता के बाद पश्चात, यानी कि 1947 के बाद जो लैंड रिफॉर्म हुए अर्थात जो भूमि सुधार हुए वो क्या कुछ जो है भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ प्रभाव डालते हैं, ये आपको दरअसल इस वाले पॉइंट में यानी कि 7 नंबर पॉइंट में आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आपके, आइए आगे देखते हैं क्या कुछ है इसमें। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 8 है, भारत में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, ठीक है, यानी कि लिबरलाइजेशन के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा उनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव, ओवरऑल जो एलपीजी आया था कहीं ना कहीं एलपीजी में वैश्वीकरण और उदारीकरण, ये दो पॉइंट यहां पर दिए गए हैं, और एलपीजी को भी आप सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट में इंडियन सोसाइटी वाले सेक्शन में पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन यहां पर भी आपको वैश्वीकरण के बारे में पढ़ना है, उदारीकरण के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से वैश्वीकरण के माध्यम से और उदारीकरण के माध्यम से दरअसल क्या कुछ प्रभाव आपके अर्थव्यवस्था पर पड़ा। आप लोगों को पता होगा पहले हमारी बंद अर्थव्यवस्था थी, उसके बाद फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग आगे बढ़े, आगे खुली अर्थव्यवस्था हुई हमारी, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आपको यहां पर पढ़नी है, यानी कि कुछ किस प्रकार से जब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े, जब हमने उदारीकरण किया, क्योंकि हमारी नीतियां क्या थी, कठोर थी, पहले आजादी के बाद कहीं ना कहीं डर था कि हम फिर से तो है कहीं ना कहीं गुलाम ना बन जाएं, इसलिए कहीं ना कहीं चीजें थोड़ा सा हम लोग बहुत ही मिनिमाइज तरीके से करते थे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से करते थे, बाद में चीजों को थोड़ा सा ओपन किया गया, उसके बाद उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा, यही आपको ग्लोबलाइजेशन के रेफरेंस में और उदारीकरण के यानी कि लिबरलाइजेशन के रेफरेंस में आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमान पत्तन तथा रेलवे आदि, यानी कि इनके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है। तो ये जो 9 नंबर तक पॉइंट है, कहां से कहां तक लेकर भाई, भाई साहब आपका पॉइंट नंबर 1 से लेकर के कहां तक, पॉइंट नंबर 1 से लेकर के और पॉइंट नंबर 9 तक, यहां तक ये देखिए, यहां तक पॉइंट नंबर 9 तक, ठीक है, यहां तक जो पोर्शन है ये पॉइंट 1 से लेकर के 9 तक क्या है, ये पॉइंट 1 से लेकर 9 तक है आपका इकोनॉमिक्स का, किसका है, इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो हमने आपको बताए हैं, ये सभी चीजें क्या आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसमें कहूं कि क्या क्या खास है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि क्या कुछ इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, हालांकि हमने बताया है, लेकिन इसको एक बार हम लोग दोबारा से देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो सबसे पहले आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत प्रश्न यहां से आपके आते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत है। सतत विकास के लक्ष्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, गरीबी के मुद्दे और बेरोजगारी के मुद्दे, आल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन करते रहना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। समावेशी विकास,
ठीक है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ोगे, लेकिन फिर भी यहां पर समावेशी विकास एक अलग से दिया गया है पॉइंट। सरकार के बजट कई बार एग्जाम में बजट की प्रक्रिया पूछ लेता है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये सब चीजें आप कहीं ना कहीं आप पढ़ते हो पहले से इकोनॉमिक्स में। प्रमुख फसलें, ठीक है, फसलें क्या हैं, और ये सिंचाई, सिंचाई की विधि बहुत इंपॉर्टेंट, सिंचाई प्रणाली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा विपणन, मार्केटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से जो है चीजें हो सकती हैं। ई तकनीकी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का विषय है, चर्चाओं में रहता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बिल्कुल रेडी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके अलावा बफर, खाद्य सुरक्षा एवं बफर भंडार, फूड सिक्योरिटी, भाई साहब ये रह गया था पॉइंट, फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी और बफर, बफर स्टॉक या बफर भंडार बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहां से आपके एग्जाम पूछे जाते हैं प्रश्न। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो जो पॉइंट दिए हैं ना, सीधे सीधे आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम पीडीएस कहते हैं, खाद्य सुरक्षा में बफर भंडार, याद रखिएगा। कृषि में तकनीकी अभियान, जो हाल फिलहाल में जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको पढ़िएगा, लेकिन जो जो मैं आपको बता रहा हूं सारे पढ़ने आपको। भारत में खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है लैंड रिफॉर्म, ठीक है, भूमि सुधार जो है, यानी कि जो लैंड रिफॉर्म है आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात जो ये लैंड रिफॉर्म हुआ है, वो क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने हमने पॉइंट्स आपको यहां पर बताए भाई साहब, चुपचाप से आराम से दिल खोल के क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये सभी टॉपिक जो हमने आपको यहां पर बताए, वैसे तो सारा ही जरूरी है, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। गरीबी के मुद्दे हो गए, ये हमने बताया, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, ये, ठीक है। इसके अलावा यहां पर, ठीक है, ये वैश्वीकरण का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट, और उदारीकरण, ठीक है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। औद्योगिक नीति, कई बार आप एग्जाम में सीधे तौर पर औद्योगिक नीति पूछ लेता है। औद्योगिक नीति को कहीं ना कहीं आप ज्योग्राफी वाले सेक्शन में ही पढ़ते हो, लेकिन यहां पर आप इकोनॉमिक्स के रेफरेंस से पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा ऊर्जा, बंदरगाह, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार पूछ लेता है। तो बाकी जितने मैंने आपसे कहा, ऊर्जा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊर्जा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हमने आपको बताए, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि 9 नंबर तक का जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1-2 लेकर के 9 तक, ये किसका सेक्शन है, ये है आपका इकोनॉमिक्स का, किसका है, इकोनॉमिक्स का, ठीक। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 10 पर, यानी कि 10वें नंबर पर। 10वां नंबर का जो टॉपिक आपका स्टार्ट होता है भाई साहब, ये कहां का हो है, ये टॉपिक है आपका बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसको हम मोटे तौर पर क्या कहते हैं, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये वाला सेक्शन पॉइंट नंबर 10 से आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है, यानी कि यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका साइंस एंड क्या, टेक, यानी कि टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है भाई साहब, ये भी सेक्शन क्या है आपका, बेसिकली करंट ओरिएंटेड ही है। चलिए देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका, जो विकास यानी कि डेवलपमेंट है, राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजीज दिन प्रतिदिन आती हैं, उन विज्ञान की नई नई प्रौद्योगिकियों का जो उपयोग है आपके रोजमर्रा के जीवन में, अर्थात डेली रूटीन पर दैनिक रूप से किस प्रकार से प्रभाव डालता है, वो आपको जो भी टेक्नोलॉजीज होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। चाहे कोई एप्लीकेशन हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया हो, चाहे कोई वेबसाइट लॉन्च की गई हो, चाहे कोई कुछ नई टेक्नोलॉजी छोटी मोटी अडॉप्ट की गई हो, वो सभी, यानी कि उन सभी टेक्नोलॉजीज के माध्यम से आपके दैनिक जीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है, इन सभी के बारे में आपको दरअसल यहां पर पढ़ना है, राइट। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, ठीक है, यानी कि अगर किसी भारतीय वैज्ञानिक ने अगर कुछ नया इन्वेंशन किया है, चाहे वो, या कुछ नया कोई प्रोग्राम चल रहा हो, चाहे वो चंद्रयान मिशन हो, शुक्र मिशन हो, शुक्र मिशन के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, 2028 का लक्ष्य रखा गया प्रक्षेपणयान को प्रक्षेपित करने का, ठीक है। तो जो भी टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं, जिस भी फील्ड में हम रिसर्च करते हैं, चाहे वो इसरो के माध्यम से हो, DRDO के माध्यम से हो, या अलग अलग रिसर्च एजेंसीज के माध्यम से हो, हमारी क्या उसमें उपलब्धि है उसके बारे में आपको दरअसल यहां पर पढ़ना होता है कि भारतीयों की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं या हैं। प्रौद्योगिकी का यानी कि टेक्नोलॉजी का स्वदेशीकरण, आपको पता होगा इस समय हम लोग क्या काम कर रहे हैं, इस समय हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ट्रस्ट करके अपने यहां पर ज्यादा इन्वेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे नासा के माध्यम से कोई नया उपग्रह लॉन्च करना हो या कुछ अन्य चीजें हो, हम लोग बेसिकली इस समय अपनी चीजों पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी पर, हम अपनी चीजों पर क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, राइट। ये हो गया यानी कि स्वदेशीकरण, यानी कि टेक्नोलॉजी का जो हम स्वदेशीकरण कर रहे हैं, ये अपने आप में भारत, देखो आपने सुना ना मेक इन इंडिया,
मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो दरअसल कुछ इसी प्रकार का है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजी जो हो रही है उनका डेवलपमेंट हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में हो, जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं उसमें हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में या उनके इन्वेंशन में हम कई प्रकार क्या करते हैं, कई बार हम कई देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करते हैं। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो उन टेक्नोलॉजीज को आप पढ़ें कि भारत सरकार के द्वारा अलग अलग देशों के साथ कौन कौन से समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, चाहे वो लिथियम को लेकर के हो, चाहे उपग्रह को लॉन्च करने को लेकर के हो, या कुछ नई चीज हो, या फिर कोई जो है क्या कहते हैं, जैसे सी वाटर है, सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने की टेक्निक हो, या फिर कोई भी समझौता हो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य देश के साथ में किया गया हो, उन सभी समझौता ज्ञापनों पर क्या कुछ साइन जो है चर्चाएं रही हैं, क्या कुछ उसके महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं, वो आपको दरअसल पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं समझौता ज्ञापनों पर दरअसल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है भाई साहब। इसलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि आप लोग न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ने की हैबिट डालें। मेरे द्वारा आपको समय समय पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कराए जाते हैं, फिलहाल अभी चूंकि एग्जाम लगे हुए इसलिए नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग क्या करेंगे, जो भी हर लगभग हर दूसरे दिन मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मैं आपको कराया करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा करेंगे, राइट। तो उन सब पर बिंदुओं पर हम लोग देख लिया करेंगे, बाकी आप लोग जो कौन कौन सी मैगजीन पढ़े वो भी हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो नवीन प्रौद्योगिकी का विकास हो गया, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, कई बार क्या होता है हम अपनी टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं, एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं या दूसरे देश से अपने देश में लाते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी, जैसे सी वाटर, समुद्री जल को दरअसल ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने की टेक्निक जो है कहीं ना कहीं भारत में अभी नहीं सही से आई हुई है, बहुत कॉस्टली है, इजराइल के पास इसके लेकर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो इजराइल से हमने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, या हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक है जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं लेकिन हमने उसको किसी जो है दूसरे देश को हमने दिया, तो ये सब प्रश्न जो है संबंधित जो प्रश्न होते हैं ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, राइट। इसके अलावा तो क्या है, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, फिर क्या है, द्वि अनुप्रयोगी एवं तकनीक उपयोगी प्रौद्योगिकियां, ये भी पॉइंट है। इसके अलावा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी आपकी है, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भी आप रिसर्चेस होते हैं इसरो वगैरह के माध्यम से, डीआरडीओ के माध्यम से, वो आप जानते होंगे, ठीक है ना, या कोई नासा करती है, कोई अलग स्पेस एजेंसी करती है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, ये सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं है भाई साहब, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिप्रेक्ष्य में है, ध्यान रखिएगा, कहीं भी भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखा है, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर दरअसल प्रश्न बनेंगे यहां से, ठीक है। यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, बहुत इंपॉर्टेंट, नैनो टेक्नोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स वेरी वेरी फेवरेबल टॉपिक फॉर पीसीएस, ठीक है, बहुत बार पूछता है नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी का जो सेक्शन होता है वो पूछा जाता है आपसे। जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जागरूकता, बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो है भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी से बहुत प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया होगा, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के साथ किया होगा, या एमएससी आपने किया होगा बायोटेक्नोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में, इनफैक्ट जियोलॉजी वगैरह में, तो कहीं ना कहीं आपको बायोटेक्नोलॉजी की और बाकी चीजों की जो है नॉलेज आपकी होगी, खासकर बायो वाले फील्ड की, ठीक है ना। चलो, बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे, बौद्धिक संपदा बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, बौद्धिक संपदा अधिकार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है यहां से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इसलिए आपको क्या काम करना है, इन पॉइंट्स को भी रेडी कर लेना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 12, ठीक है, और जो है ये 10, 11, 12 और आगे देखते हैं क्या है, हाँ, तो 10, 11, 12 ये तीन जो पॉइंट आपके बनते हैं ये किसके भैया, ये हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, किसके हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, टिक लगा लो फटाफट, क्या यहां से लेकर के, ठीक है, यहां से लेकर के और यहां तक, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो कि क्या है, पूरी तरीके से
करंट ओरिएंटेड है, यानी कि करंट से संबंधित प्रश्न यहां पर अक्सर पूछे जाते हैं, या फिर चाहे वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो, चाहे कुछ अन्य प्रौद्योगिकी आ गई हो, ठीक है, ये सभी के सभी बिंदु क्या होते हैं आपके यहां पर पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में, राइट। तो ये इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपके सामने। फिर आपके आपका जो पॉइंट नंबर 13 है भैया, ये पॉइंट नंबर 13 जो है आपका, ये क्या है, ये है आपका एनवायरमेंट का सेक्शन। किसका है? एनवायरमेंट का सेक्शन। और इसको भी आप लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इसको भी आप लोग बेसिकली कहीं ना कहीं प्री में पढ़ते हैं, यानी कि इस पेपर में अभी हमने पहला क्या पढ़ा पोर्शन, इकोनॉमिक्स का पढ़ा। इकोनॉमिक्स आपका क्या है, प्री में भी पढ़ना होता है, मेंस में पढ़ना होता है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आपका प्री रेडी हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो भी कहा था इसके पहले कि आप लोग जब भी तैयारी करिएगा तो मेंस के साथ प्री की तैयारी करिएगा, और जब प्री का 3-4 महीना बचेगा तो प्री का मेंस छोड़ करके केवल और केवल आपको प्री ओरिएंटेड हो जाना है। और मैंने यह भी कहा था आपसे कि कॉन्सेप्ट के साथ में फैक्चुअल इकट्ठा करते चलिएगा, आपका मेंस प्लस प्री दोनों होता चलेगा। तो इस पेपर में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स प्री प्लस मेंस दोनों पढ़ना है, यानी कि अगर आपने मेंस में पढ़ लिया तो प्री में काम आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन, कुछ पोर्शन यहां का जो है प्री में भी है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एनवायरमेंट का सेक्शन, ये आप प्री में पढ़ते हो, यहां भी पढ़ते हो, तो अगर आपने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एनवायरमेंट को रेडी कर लिया तो आपका कहीं ना कहीं प्री में भी आपका क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ओके, तो इसमें कौन कौन से बिंदु है भाई साहब, पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, यानी कि जो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है और जो इकोसिस्टम वगैरह है, पूरा का पूरा तंत्र जो है वो आपको इसमें पढ़ना है। देखो डिटेल्स में सिलेबस यहां पर नहीं दिया गया है, लेकिन पूरा का पूरा एनवायरमेंट आपको डिटेल्स में यहां पर क्या होगा, पढ़ना होगा, राइट। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन है, वन्यजीव जीवन संरक्षण है, जैव विविधता या जीव विविधता जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन प्री आल्सो मेंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि प्री में भी और मेंस में भी जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी से संबंधित प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप इसको निग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है आपको। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रदूषण, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल प्रदूषण एवं क्षरण, ठीक है। फिर क्या है, पर्यावरणीय संघात आकलन, या इसको हम बोलते हैं EIA, यानी कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, EIA। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, EIA अक्सर जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। EIA क्या होता है, EIA आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जब भी कहीं पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई कंपनी अपना प्रोजेक्ट लगा रही है या भारत सरकार यहां पर प्रोजेक्ट लगा रही है, एक एरिया में क्या है, ह्यूमन लोग रहते हैं, यानी कि जो है आदमी लोग रहते हैं, एक आबादी का क्षेत्र है, ये क्या है, यहाँ पर एक फॉरेस्ट एरिया है, नदी वगैरह है, बाकी कुछ कुछ चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं। अगर यहाँ पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, कोई डैम लगाना होता है, तो पहले हम इसका क्या करते हैं, EIA करते हैं, EIA करते हैं, अर्थात इसके बारे में हम आकलन करेंगे कि दरअसल अगर यहाँ पर हम कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे तो इससे क्या कुछ नुकसान होगा। सिंपल सी बात है, यहां पर जो रहने वाले जो लोग होंगे उनको हमें कहीं ना कहीं विस्थापित करना पड़ेगा। विस्थापन करने के परिपेक्ष में क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये अपने संस्कृति परंपराओं से दूर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं जो इनकी उपजाऊ भूमि रही होगी, क्या पता जब इनको यहां पर जो जब जो है यहां पर इनको रखा जाए अलग क्षेत्र में, इनको प्रवास के लिए रखा जाए, तो क्या पता इनकी जो लैंड इनको मिले, जो इनको लैंड मिले, भूमि मिले, वो प्रोडक्टिव ना हो, ठीक है। इसके अलावा कहीं ना कहीं अपने संस्कृति परंपराओं से दूर ही हो जाएंगे। इसके अलावा जो जंगली एरिया होगा उसको काटा जाएगा, कुछ ना कुछ पूरी की पूरी बायोडायवर्सिटी यहां पर क्या हो जाएगी, जो है खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ा जो है ह्यूमन के साथ साथ में पूरे एनवायरमेंट पर इसका क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए EIA किया जाता है कि दरअसल कोई प्रोजेक्ट या कोई डैम कुछ भी अगर यहां पर लॉन्च किया जाता है, लगाया जाता है, तो कितना असर पड़ेगा। आप लोग को पता होगा टिहरी का नाम सुना होगा, टिहरी डैम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर कभी आप जो है घूमने कहीं गए हो तो जाइएगा, बहुत ही मनोरम स्थल है, लेकिन उस मनोरम स्थल को बनाने के लिए जो डैम वहां पर बनाया गया है, डैम वो बहुत बड़ा, टिहरी डैम बहुत बड़ा है, उसको पुरानी टिहरी बोलते हैं। पुरानी टिहरी कहते हैं कि पुराना टिहरी डूब गया। डूब इसलिए गया क्योंकि वहां पर पहले आबादी थी, उस आबादी को हटा करके हरिद्वार में बहादराबाद एक स्थान है, हरिद्वार में रुड़की के बीच में, हरिद्वार रुड़की के बीच में वहां पर प्रतिस्थापित किया गया उन लोग को, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हुआ और पूरा जो टिहरी जो एरिया था आबादी वाला वो पानी से क्या हो गया, डूब गया है, यानी कि वहां पर डैम बनाया गया, ठीक है। तो अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो लोग यहां पर रहते थे उन्होंने अपने कल्चर परंपराओं को छोड़ दिया, कहीं ना कहीं बाहर विस्थापित कर दिए गए, कहीं ना कहीं उनको नुकसान हुआ। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी का एक बहुत बड़ा जो है नुकसान यहां पर हुआ डैम बनाए जाने से, ठीक है।
तो ये सब बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, याद रखनी, कभी अगर आप उत्तराखंड जाइएगा तो टिहरी वहां पर घूमिएगा, वहां पर लोग रिसर्च करने आते हैं डैम के ऊपर, राइट। बहुत मजबूत डैम बना है और बहुत पानी है, अगर कहीं टूट गया ना भाई साहब वो, तो समझ लो कि दिल्ली तक पानी जाएगा, बहुत भयंकर वाला, ठीक है, सब डूब जाएगा, हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक सब कुछ पानी पानी हो जाएगा, बहुत भयंकर पानी उसमें। जाइए कभी घूम के आइएगा, घर पे बैठे मत रहा करो, आइए इसकी तैयारी कर रहे हो ना भाई साहब, घर पे बैठने से तैयारी नहीं होती है, घूमा फिरा करो, ये नहीं कि कमरा बंद करके पढ़े जा रहे हो, इससे आईएएस नहीं बनोगे, इससे पीसीएस नहीं बनोगे। हमेशा अपनी आपकी थॉट्स को इंटीग्रेटेड करो, घूमो टहलो, देखो क्या कुछ चल रहा है, कौन सा पहाड़ कहां पर क्या हो रहा है, ये नहीं कि बस किताबें खाली पढ़ के, किताबें पढ़ के नहीं होगा, किताबें वही 7-8-10 किताबें होती हैं, दुनिया का हर इंसान जो भी तैयारी करता है वही किताबें लेके पढ़ता है, वही रमेश सिंह पॉलिटी स्पेक्ट्रम एनवायरमेंट सब कुछ सारे लोग वही साइट वेबसाइट सारे लोग वही किताबें पढ़ते हैं, लेकिन एक का सिलेक्शन हो जाता है एक का नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जब तक आप रचनात्मक नहीं होगे, जब तक आप घूमोगे फिरोगे नहीं, तब तक कुछ कल्याण होने वाला नहीं है, लोगों से बात करो डिस्कस करो तब जाके कुछ कांड होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, सीधा पॉइंट टू द पॉइंट है, ठीक है, घर में बैठी तैयारी नहीं होती है आपकी। हाँ, टाइम नहीं वेस्ट होने देना, अब मैंने कह दिया घूमो फिरो, इसका मतलब ये नहीं कि बैग टांग के दिन भर बस्ता बांध के चले जाओ, बुलेट लेके घूमने चले जाओ, है ना, ऐसा नहीं करना है। घूमने से तात्पर्य यह है कि आप चीजों पर आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, क्या समाचार में चल रहा है, क्या न्यूज में चल रहा है, क्या बाहर हो रहा है, कहीं घूमने जाओ तो उस प्रोस्पेक्टिव से ढूंढो, घूमो कि यार यहाँ पर टेही डैम बनाया गया है, ये डैम का नाम क्या है, इस डैम की स्थापना कब हुई थी, ये किस जिले में है, यहां से क्या क्या इसका नुकसान हुआ, डैम से क्या कुछ नुकसान होता है, बिजली उत्पादन हो रहा है तो कितना उत्पादन हो रहा है, बिजली उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या कुछ कारण है कि जिससे अगर ये डैम अगर टूट गया तो क्या कुछ पर प्रभाव पड़ेगा, जो लोग हटाए गए उन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, बायोडायवर्सिटी पर कितना प्रभाव पड़ा, आखिर बिजली उत्पादन के लिए अगर हम डैम ना बनाते हैं तो कौन सा ऐसा और स्रोत अन्य है कि जिससे हम डैम बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार के मनोभाव अपने मन में रखिए और फिर घूमिए, फिर देखिए कि कितना कुछ आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन किसका है, एनवायरमेंट का, यानी कि पॉइंट नंबर जो 13 है आपका, ये किसका सेक्शन है, ये है आपका एनवायरमेंट का, याद रखिएगा, ये पीसीएस का सिलेबस हम लोग अभी देख रहे हैं यहां पर, ठीक है। इसके अलावा जो 14 नंबर पॉइंट है, क्या 14 नंबर पॉइंट क्या है भाई साहब, यहां से आपका शुरू हो रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधन, क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, आपदा प्रबंधन, इसमें क्या है, आपदा यानी कि डिजास्टर, ठीक है, गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं सुरक्षा की चुनौतियां के रूप में आपदा समन एवं प्रबंधन, यानी कि किस तरीके से हम लोग आपदा को मिटिगेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। आपदा प्रबंधन बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहां से प्रश्न हर हाल में पूछा जाता है, राइट, याद देखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आपदा प्रबंधन का, यानी कि जो 14 नंबर पॉइंट है ये किसका है भाई साहब, ये है आपका आपदा प्रबंधन का, आपदा कैसे आती है, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, कृत्रिम आपदाएं क्या होती हैं, आपदा को रोकने के लिए भारत में कौन कौन सी टीमें बनाई गई हैं, किस तरीके से हम आपदा को, आपदा आने से पहले हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि भूकंप आप लोग जानते होंगे बहुत क्या है, हानिकारक है, तो भूकंप को हम पहले कैसे रोक सकते हैं कि भूकंप जब आए तो उसका एक हानि जो है बहुत कम से कम हो, तो कहा जाता है कि जो आप बिल्डिंग्स बनाओगे क्या हो, भूकंप रोधी होनी चाहिए, ठीक है, बचाव के तरीके बताए जाते हैं कि अगर भूकंप आता है तो उस स्थिति में आप क्या कुछ काम करोगे, ठीक है। तो ये जो भूकंप यानी कि कोई भी जो आपदा आती है, आपदा से पहले क्या सुरक्षा आपको जाननी है, समझनी है, वो जानना जरूरी होता है, आपदा तुरंत आती है उस समय हमें क्या त्वरित कार्यवाही करनी होती है, और आपदा आने के बाद हम किस तरीके से उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, ये सभी बिंदु दरअसल आपको पढ़ने हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पढ़ना है, बाकी जो कुछ अधिनियम पारित किए गए हैं इससे संबंधित वो सभी जानकारियां दरअसल आपको इस पेपर में क्या होती हैं, पढ़नी होती हैं, राइट, ठीक है, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा तो ये 14 नंबर क्या पॉइंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट का है, याद रखिएगा। और अब यहां से जो 15 नंबर से लेकर के और ये जो 17 नंबर तक का जो टॉपिक है ये क्या है, ये है आपका इंटरनल सिक्योरिटी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक सुरक्षा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आंतरिक सुरक्षा, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी। और आप लोगों को पता होगा कि इस समय कहीं ना कहीं ये चर्चाओं में रहता है, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, किस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां जो भी हैं, जैसे कि आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार, संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका, सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार, बहुत इंपॉर्टेंट है,
साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी, साइबर सिक्योरिटी और मनी लॉन्ड्रिंग, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत प्रश्न यहां से आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मानव तस्करी क्या है, सुरक्षा का आधार क्या है, ठीक है, यानी कि जो है आपका ये जो साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज के माध्यम से कहीं ना कहीं आपके इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स जो है पहुंचाने का काम किया रहा है, यानी कि आपको नुकसान पहुंचाने का काम किया रहा है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी साइबर के मामले हो, चाहे कहीं ना कहीं हैकिंग की पूरी प्रोसेस हो, ये सब मुद्दे दरअसल इसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ चुनौती है, क्या कुछ आपके सामने चुनौती सामने उभर के आ रही है, जैसे कि आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, आप लोगों को पता होगा कि आतंकवाद की अभी तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी तक जो है इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक आतंकवाद को डिफाइन नहीं किया गया है कि व्हाट इज टेररिज्म, बहुत बड़ी बात है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जो है शामिल किए जाने की बात कही जा रही है, हालांकि चीन इसमें अड़ा रहा है कि भाई इसमें शामिल नहीं होना चाहिए भारत को, लेकिन अगर भारत यूएनएससी में अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यदि भारत शामिल होता है तो हो सकता है आतंकवाद जैसे मुद्दों पर कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से बहस उस पर हो। आतंकवाद टेररिज्म बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक जो है नासूर है भारत के लिए, इनफैक्ट कई अन्य देशों के लिए नासूर बन गया है कि किस तरीके से इसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जाए पड़ोसी देश के द्वारा, कहीं ना कहीं जो है इस पर बहुत ज्यादा जो है इस पर इंपैक्ट पड़ता है। भ्रष्टाचार करप्शन बड़ा मुद्दा है अपने आप में, करप्शन हमेशा छाया रहता है, चाहे इलेक्शंस के टाइम की बात हो, उसके पहले की बात हो, या कहीं अन्य मुद्दों की बात हो, तो हमें यहां पर भ्रष्टाचार को पढ़ना है। बगावत शब्द आपने सुना होगा, बगावत क्या है, कई बार क्या होता है कि लोग कई ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, लोगों के माध्यम से किसी मुद्दे को लेकर बगावत कर दी जाती है, यानी कि विरोध किया जाता है, वो कौन से मामले हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर आपने कई बार देखा होगा कि लोगों के द्वारा क्या कहता है, रेल पटरियों को उखाड़ दिया जाता है, रेल को रोक दिया जाता है, बसों ट्रकों को जला दिया जाता है, कहीं ना कहीं विरोध ऐसा होता है, विरोध कुछ ऐसा हो जाता है, अगर आप विरोध सही तरीके से करेंगे तो तार्किक होता है, लेकिन विरोध वो कैसा होता है, बगावत के फॉर्म में होता है कि हम सरकार के खिलाफ में हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ में हैं, संविधान की दुहाई दी जाती है, बहुत प्रकार के मुद्दे अक्सर आपको सुनाई देते होंगे, ये क्या बगावत है कहीं ना कहीं। हालांकि भारत में अगर आपको अपनी बात रखनी होती है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप अपनी बात को रख सकते हैं। अक्सर मैं इस बात को कहता हूं कि आपकी कोई भी मांग हो, डिमांड कोई भी हो, चाहे आप परीक्षार्थी हो, चाहे आप व्यवसायी हो, चाहे आप पॉलिटिकल बंदे हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, कोई भी अगर आपकी डिमांड है, अगर वो सही है और उसके पीछे अगर तार्किकता है, आप सीधे तौर पर बात करिए, किसी में कोई दम नहीं है कि आपकी बातों से वो आपकी बातों को वो ना माने, हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम रास्ता क्या चूज करते हैं, रास्ता हम चूज करते हैं दरअसल किसका, जो है सांप्रदायिक दंगों का हम चूज कर लेते हैं। हम रास्ता कैसा चुनते हैं, हम रेल को रोक देते हैं, हम रेल पटरियों को उखाड़ देते हैं, हम जो है अस्पतालों को जला देते हैं, हम दंगाई टाइप का व्यवहार करते हैं, जो कि क्या है, गलत है। और यही सब क्या है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या है, चुनौती बन के उभरा है। हम इसे किस प्रकार से कंट्रोल करें, हम इसे किस प्रकार से रोकें, यही सब आपको पढ़ना होता है। क्यों पढ़ना होता है भाई साहब, क्योंकि आपको कल को एक आईएएस ऑफिसर बनना है, कल को आपको पीसीएस ऑफिसर बनना है, कल को आपको आईपीएस बनना है, कल को आपको जो है डिप्टी एसपी यानी कि पीपीएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस बनना है। तो इसीलिए ये सब जानना आपके लिए जरूरी है कि किस तरीके से हम चीजों को मिटिगेट कर सकते हैं, किस तरीके से चीजों को हम रोक सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपके कोई मैसेज आया, कहीं पर दंगा हो गया, सांप्रदायिक दंगा, तो क्या आप उस मैसेज को बार बार क्या फॉरवर्ड करोगे, नहीं भाई साहब। जहां एक और एक प्रशासनिक अधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इन प्रकार की चीजों पर कंट्रोल करें, तो वहां वही दूसरी ओर एक आम नागरिक होने के नाते ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे किसी भी अफवाहों को, ऐसे भी किसी भी मैसेज को आप क्या करें, फॉरवर्ड ना करें। मल्टीपल टाइम फॉरवर्ड होता रहता है। एक बार की बात है कि मेरे मैसेज मेरे व्हाट्सएप पर एक ऐसा ही कुछ मैसेज आया, विवाद का मामला था कुछ ऐसा ही, तो मैंने उनको तुरंत मेरी उनसे लड़ाई होगी, भाई आप ये क्यों भेज रहे हो, ठीक है, वहां पर क्यों भेज रहे हो ऐसा, बिकॉज ऑफ, और वो एक थे कौन, शिक्षक थे। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप शिक्षक हैं तो आप क्या आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, समझना चाहिए। ऐसे कई सारे मैसेज मेरे पास अलग अलग तरीके से आते रहते हैं। तो आम नागरिक होने के नाते भी जो है कहीं ना कहीं आप इन इंटरनल सिक्योरिटी के मामले को आप कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा रोक सकते हैं। ये सब क्या है,
जहां प्रशासन की जिम्मेदारी है इसको रोकने की, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, तो एक आम नागरिक होने के नाते क्योंकि आप लोकतंत्र का हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इनको रोकने का काम करें। तो ये सारे मुद्दे दरअसल आपको यहां पर क्या करने पढ़ने हैं, ठीक है। संगठित अपराध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संगठित अपराध पर कई बार आपके एग्जाम में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी आपको क्या करना है, रेडी करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ओके। इसके अलावा सुरक्षा बलों की भूमिका, जो भी आपके आर्मी एंड अन्य जो अलग अलग प्रकार की जो सेवाएं देने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है आपको, इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, चाहे वो BSF हो, चाहे ITBP हो, ठीक है, चाहे वो अन्य प्रकार की सेनाएं हो, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। तथा शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन यानी कि जो हाई लेवल का जो सिक्योरिटी है आपका, जो भारत का उच्च रक्षा संगठन है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में क्या करना रहेगा, पढ़ना रहेगा, ये बातें भी आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। इसके अलावा लास्ट जो टॉपिक बचता है वो कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर का बन जाता है, हालांकि आप इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हैं या फिर आप इसको अलग से एग्रीकल्चर में पढ़ सकते हैं, जिसमें क्या है, कृषि है, बागवानी है, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का पोर्शन है। इसको आप लोग किसी भी एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या जब आप इकोनॉमिक्स का पोर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये सारे पॉइंट्स आपको कवरअप हो जाएंगे, राइट। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 18 तक का, ये पूरा का पूरा क्या है आपका सिलेबस है, जो हमने आपको डिटेल्स में क्या किया, समझा दिया एक तरीके से समराइज वे में। क्या ये सारे बिंदु आपके समझ में आ गए, आई थिंक आपके समझ में ये सारे बिंदु दरअसल आ गए होंगे, ठीक है। क्या कोई समस्या यहां पर आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या यहां पर आपको आने वाली होगी जो आपके समझ में ना आए, मैंने आपको बता दिया। एक बार थोड़ा सा समराइज वे में देख लीजिए आप लोग, पॉइंट नंबर 1 से लेकर के, ठीक है, 9 नंबर तक, यानी कि पॉइंट नंबर 9 तक, यहां तक आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स। फिर पॉइंट नंबर 10 से लेकर के 12 तक आपको क्या पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके अलावा पॉइंट नंबर जो 13 दिया गया है ये आपका एनवायरमेंट का सेक्शन है, पॉइंट नंबर 14 ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन का है, और 15 से लेकर के आपका 17 नंबर तक का जो पॉइंट है, 17 नंबर तक पॉइंट है, ये 17 नंबर तक का पॉइंट क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी अर्थात आंतरिक सुरक्षा का है, और ये जो 18 नंबर पॉइंट है ये बेसिकली मोटे तौर पर एग्रीकल्चर का पोर्शन है या इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खासकर एग्रीकल्चर में इसको रखिएगा 18 नंबर पॉइंट को। तो ये हो गया आपका क्या बेसिकली सिलेबस, जो आपको मैंने थोड़ा सा हल्का सा समराइज वे में आपको समझा दिया, समझाने के उसमें बहुत टाइम लग सकता है लेकिन मैंने वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बता दिया कि इसमें ये कुछ पढ़ने हैं, इस तरीके से चीजों को आपको क्या करना है, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा अन्य टॉपिक पर, कौन कौन से विषय इसमें हो गए भैया, आपका पोर्शन हो गया इकोनॉमिक्स का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एनवायरमेंट का, डीएसएम मैनेजमेंट का, और इंटरनल सिक्योरिटी का, और लास्ट में जो पॉइंट नंबर 6 बच रहा था आपका, उसमें चाहे तो आप एग्रीकल्चर को एड ऑन कर सकते हैं, पॉइंट नंबर जो आपका 18 नंबर बचा था, ठीक है, ये वाला 18 नंबर, ठीक है, बात समझ आ गई आपके इतनी सारी। अब हम आते हैं जिसके लिए आप बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे होंगे, मुझे पता है कि सर जी बाकी सब तो ठीक है, किताब जल्दी बता दो। देखो भाई साहब एक बात ध्यान रखना, जल्दबाजी में कभी तैयारी मत करना, ठीक है, जल्दबाजी में तैयारी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। किताबें समझानो कौन सी जरूर पढ़नी है जरूरी है, लेकिन उसके पहले सिलेबस की समझ आपके भीतर होना बहुत जरूरी है। सिलेबस को नहीं समझोगे तो आप नहीं कुछ पढ़ पाओगे, इसलिए सिलेबस को तोड़ो, ब्रेक करो, PYQs को देखो। सबसे अहम है कि इस पूरे पोर्शन में, इस पूरे पेपर थर्ड में कहां कहां से किस किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, यह जानकारी दरअसल आपको होनी चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं आप डिटेल्स में चीजों को समझने का प्रयास करें। खैर आइए हम लोग थोड़ा सा अब देख लेते हैं कि प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं जो आपको इस पेपर में क्या है पढ़नी रहेंगी, ठीक है ना। चलो इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आप पढ़ सकते हैं रमेश सिंह की, लाल एंड लाल की भी किताब आती है, आप चाहे तो उसको भी ले लीजिए, या कोई अन्य राइटर अगर आपको लगता है तो आप उनको देख सकते हैं। मुरलाल सर के वीडियो बहुत अच्छे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, हालांकि वो इंग्लिश मीडियम में है, murlal.org उनके वेबसाइट भी है शायद, और मुरलाल के नाम से अगर आप डालेंगे वीडियो यूट्यूब पर तो वहां पर इकोनॉमिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स खुल के आ जाएंगे, ओपन होकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। बाकी अगर इन फ्यूचर अगर आपको डिकोड एग्जाम का बैच अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर तो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी अच्छे तरीके से, राइट। तो रमेश सिंह की पुस्तक ले सकते हैं, बाकी जो है बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इन सभी टॉपिक्स को अगर आप इंटरनेट से सर्च करेंगे ना, भूमि सुधार हो गया आपका, उदारीकरण हो गया, वैश्वीकरण हो गया, एग्रीकल्चर के प्रकार, सिंचाई के प्रकार, बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, ये सब बिंदु जो है ना आपके इंटरनेट पर बहुत अच्छे से अवेलेबल है। आप टॉपिक डालिएगा और उसके आगे लिख दीजिएगा फॉर UPSC या फॉर PCS,
बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स आपको अच्छे अच्छे देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप चाहें तो अपने अच्छे तरीके से नोट्स वहां पर बना सकते हैं। जितना ज्यादा आप ऑनलाइन चीजों का उपयोग करेंगे उतना ज्यादा क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। किताबें तो हैं आपके साथ में, लेकिन ऑनलाइन जो भी डेटा आपको जो भी चीजें मिलती हैं आपको उसको रखना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि फर्जी बहुत कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा उसको आप जो है छानना आपको आना चाहिए कि यार ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, तो इसे किसके लिए बुक आती है, शीलवंत सिंह की, जो कि मैग्रा हिल पब्लिकेशन की आती है। शीलवंत सिंह की अच्छी बुक है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपका क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं आप इसको रेडी कर सकते हैं शीलवंत सिंह की बुक से। लेकिन इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा कि इस वाले सेक्शन के लिए आपको प्रॉपर तरीके से मैगजीन वगैरह पर फोकस ज्यादा रहना रहेगा आपको लिए, ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा बाकी आप चाहें तो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से आप चीजों को कवरअप कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसके लिए मैगजीन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। शीलवंत सिंह की किताब आती है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भी किताब मार्केट में हो आप देख सकते हैं, क्योंकि शीलवंत सिंह पुराना पब्लिकेशन हो गया है एक तरीके से, मतलब राइटर पुराने हो गए हैं, काफी अच्छा उन्होंने लिखा है शीलवंत सिंह, तो आप चाहें तो इसको आप ले सकते हैं, मैग्रा हिल का पब्लिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा एनवायरमेंट के लिए पीडी शर्मा आप लोग पढ़ते होंगे, एक अच्छी किताब है पीडी शर्मा के नाम से, हम लोगों ने एमएससी में इसको पढ़ा था, आप चाहें तो पीडी शर्मा मंगा सकते हैं, बेसिक बुक है, आराम से आपकी चीजें काफी कुछ यहां से कवरअप हो जाएंगी। पीडी शर्मा पढ़ लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। शंकर आईएएस की बुक बहुत दूसरी कोचिंग है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, शंकर आईएएस की बुक आती है इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। आप चाहें तो एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक या पीडी शर्मा की बुक ले सकते हैं। एनवायरमेंट के लिए आप लोग जो है परीक्षा वाणी पढ़ते होंगे, वही बुक है, वो भी अच्छी बुक है, लेकिन बहुत डिटेल्स में नहीं दिया गया है, हालांकि हो जाएगा एनवायरमेंट का सेक्शन वहां से भी हो जाएगा, तो आप चाहें तो परीक्षा वाणी भी यहां पर आप परीक्षा वाणी को एड ऑन कर सकते हैं, राइट। परीक्षा वाणी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बुकलेट इंपॉर्टेंट है तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। परीक्षा वाणी परीक्षा वाणी, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी एक ही सोर्स पर डिपेंड रहो या जो मैं कह रहा हूं मेरे ही सोर्स पर डिपेंड रहो। अगर आपको लगता है कि यार ये किताब नहीं अच्छी ये किताब अच्छी है, तो आप उसको मार्केट से ले सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मेरी चीजें हैं मैं उसके बिहाफ पे आपको भी बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स अच्छे हैं तो आप उनको ही पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक आपको नहीं है। बस मेन क्या है, मुद्दा क्या है भाई साहब, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बस सबसे अहम जो चीज है। आप कुछ भी पढ़ें बस ऑथेंटिक पढ़ें, कूड़ा कबाड़ा ना पढ़ें, क्योंकि मार्केट में जब आप जाते हैं तो रंग बिरंगी किताबों का ढेर लगा होता है पूरे टेबल पर और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो बस ये बात ध्यान रखनी है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा जिसको लगे कंटेंट अच्छा है मैटर अच्छा है उसको आप पढ़ सकते हैं, राइट। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए दोनों सेक्शन के लिए एक किताब आती है आईपीएस अशोक कुमार विपुल कुमार। किसकी? आईपीएस अशोक कुमार विपुल कुमार। अशोक कुमार आपको पता होगा उत्तराखंड में डीजीपी भी थे हाल में, फेसबुक पर इनका पेज है, बहुत अच्छा है, देखिए सर्च करिएगा अशोक सर को, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं अशोक कुमार। ये शायद डीजी आईजी थे शायद अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले, या डीजीपी थे मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट, ठीक है। इनको पढ़िएगा, तो आईपीएस अशोक कुमार और विपुल कुमार सर की बुक आती है इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, दोनों पोर्शन एक ही पुस्तक में रहता है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स अगर आपको मिल जाएंगे तो आप वहां से भी इसको कर सकते हैं। और बाकी अन्य क्या क्या स्रोत, ये तो किताबें रेफरेंस बुक्स मैंने बता दी, केवल रेफरेंस बुक, लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इसमें कुछ करना है कार्य करना है सॉरी वो क्या काम करना है वो आइए हम आपको आगे दिखाते हैं कि क्या कुछ करना है आपको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें करनी है, रेफरेंस बुक तो आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपका बेसिक वगैरह सब कुछ वो हो गया, आपके कंट्रोल में आ गया कि भाई यहां पर यही चीजें हमें पढ़नी है। लेकिन जो सबसे अहम है इस पेपर में वो ये है अन्य स्रोत है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, पहली बात आपको पढ़नी है भैया मैगजीन, कोई भी आप ईयरली मैगजीन ले सकते हैं अगर आपको लेना है, नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेली मॉर्निंग में मैं आपको करंट अफेयर्स कराता हूं, डिटेल्स में वहां पर आपको बताता रहता हूं, और कैसे कैसे प्रिपेयर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी बिंदुओं पर मैं आपको चर्चा करता हूं डेली मॉर्निंग में 8 AM पर, क्योंकि मेरा लक्ष्य रहता है कि मैं सिर्फ प्री के लिए करंट ना पढ़ाऊं बल्कि मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तक मैं आपको लेके जाऊं और वहां पर सिलेक्शन दिला के रखूं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मैं वहां पर सभी प्रकार के प्रश्नों को रखता हूं और बताता रहता हूं कि कैसे कैसे प्रश्नों को आपको वहां पर टैकल करना है, कौन कौन से टॉपिक आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो उसको आप लोग डेली मॉर्निंग में 8 AM पर यानी कि सुबह 8 बजे मेरा करंट अफेयर्स आप लोग देखना मत भूलिएगा, ओके। इसके अलावा जो सबसे अहम है इसमें आपको सेकेंड एआरसी की थर्ड रिपोर्ट पढ़नी है, क्राइसिस मैनेजमेंट है।
सेकंड ईआरसी यानी कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार जो आयोग होता है, यानी कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रिपोर्ट जो है उसका जो थर्ड रिपोर्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट का, इसको आपको पढ़ना है। वहां पर जो है आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित बहुत प्रकार के मुद्दे आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। सेकंड ईआरसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड ईआरसी का मामला अगर आप क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर के लिखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपदा वाले मुद्दे पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी और बहुत अच्छे मार्क्स आपको दरअसल इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपदा प्रबंधन के लिए आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, जिसको क्या बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इसकी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो कि आपके इंटरनेट पर ऑनलाइन अवेलेबल हैं। क्या हैं? ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप एनडीएमए की साइट को ओपन करिएगा, एनडीएमए आप नॉर्मल एनडीएमए आप डालिएगा, पूरी रिपोर्ट खुल के आ जाएगी, पूरी गाइडलाइंस दी गई हैं। ठीक है, उन गाइडलाइंस को आप क्या करिए, उसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए, बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर तरीके से चीजें कवरअप हो जाएंगी। राइट, इसके अलावा एक मैगजीन आती है डाउन टू अर्थ मैगजीन, बहुत अच्छी मैगजीन है, मंथली मैगजीन आती है, वेबसाइट भी है इसकी, आप चाहें तो फेसबुक से लेकर के अलग अलग जो है उस पर आप इसको लाइक कर सकते हैं, इनकी एप्लीकेशन भी आती है, यहां से आप जो है अपनी चीजों को कवरअप कर सकते हैं। डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है, बहुत अच्छी मैगजीन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। विज्ञान प्रगति मैगजीन आती है, आप लोग जानते होंगे 15-20-25 रुपए की आती है, ये सब भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इतना कैसे पढ़ें, भाई साहब पढ़ना पड़ेगा एक बात, और ऐसा इन मैगजीन के लिए आपको यानी कि डेली पढ़ना है, पतली पतली सारी मैगजीन होती हैं, दो दिन भी एक दिन भी कर लेके बैठ जाओ, विज्ञान प्रगति आपकी एक दिन में खत्म हो जाएगी, डाउन टू अर्थ आपकी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी, बहुत पतली पतली मैगजीन होती है। ठीक है, जो लगे कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को आप पढ़ लो, सब नहीं पढ़ना होता है, कुछ कुछ टॉपिक पढ़ना होता है, नहीं कि सब पढ़ने चले जाओ, सब नहीं पढ़ना होता है। जब आप सिलेबस को देखोगे, सिलेबस के जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी कि यार ये सिलेबस में ये पॉइंट है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग डाउन टू अर्थ मैगजीन में, विज्ञान प्रगति की मैगजीन में, या कहीं करंट में अगर कोई मैगजीन होगी तो आप जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये हमारे सिलेबस का टॉपिक है, हमको ये पढ़ना है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि सिलेबस की समझ आपको होनी चाहिए कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। राइट, तो ये आपको यहां पर क्या करनी, चीजों को कवरअप करना है, विज्ञान प्रगति के माध्यम से आपको पढ़ना है। न्यूज पेपर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हिंदी माध्यम के आप हैं, किसके हिंदी माध्यम के अगर आप हैं तो हिंदी माध्यम वाले भैया दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। क्या? दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, ध्यान रखिएगा दो संस्करण क्या आते हैं, नॉर्मल एक राष्ट्रीय संस्करण। ठीक है, और चाहे तो आप जो है इसके साथ में जनसत्ता को पढ़ सकते हैं, जनसत्ता का एडिटोरियल बहुत अच्छा होता है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसके लिए भैया द हिंदू इज बेस्ट पेपर, द हिंदू, लेकिन इसकी इंग्लिश टफ होती है, चाहे तो आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। क्या? इंडियन एक्सप्रेस। तो जो आपको सही लगे, आप हिंदी माध्यम के हैं तो जनसत्ता पढ़िए, या फिर दैनिक जागरण का आप क्या करिए राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए, हिंदी माध्यम के हैं तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी पढ़ने, बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह भी आता है, बिजनेस स्टैंडर्ड आप चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, यहां पर इकोनॉमिक्स की चीजें आपको वहां पर कवरअप हो जाएंगी, बिजनेस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें जो है आपको इस पेपर में करनी है, जो मैंने आपको यहां पर क्या करनी बता दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए, ये जो इतना मैटर मैंने आपको बताया ये सारा का सारा क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनका आप प्रयोग करेंगे, पेपर थर्ड में मोस्टली क्या होता है नंबर नहीं आते हैं, मार्क्स नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन जो मैंने ये बताएं अगर आप इन सोर्सेज को फॉलो करोगे यकीन रखिएगा आपके नंबर आएंगे, गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा तब, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान देनी है, बाकी भरोसा रखिए। एक लाइन कही जाती है कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, जो दुख में भी ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। तो आप इंसान हैं, आप ह्यूमन हैं। ठीक है, चरैवेति की संकल्पना को रखिए दिमाग में। ठीक है, कंसिस्टेंसी और जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को अपने भीतर रखिए, विल पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके लिए, यानी कि विल पावर को डेवलप करिए अपने भीतर, और फिर उसी जो है लय में उसी शिद्दत के साथ तैयारी करिए, कुछ टाइम पीरियड फिक्स कर लीजिए, कितने समय में मुझे सक्सेस लेनी है, उस तय समय सीमा के भीतर अपनी सारी शक्ति सारी एनर्जी को आप उस एग्जाम के लिए लगा दीजिए, यकीन रखिएगा कि आपके सभी पेपर क्या हो जाएंगे, वाइंड अप हो जाएंगे, सभी पेपर्स में आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से आपको पेपर के और बाकी चीजें करनी है, किस प्रकार से इंटरनेट और बाकी चीजों का इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें आज हमने आपको डिटेल्स में बताई हैं। मुझे लगता है कि काफी कुछ आपको फायदा इससे मिलेगा। और अगली बार हम लोग क्या काम करेंगे, अगली बार हम लोग पेपर फोर्स जो आपका है, जिसको हम एथिक्स बोलते हैं, उस पेपर की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ मैटर हमें वहां पर पढ़ना है और किस तरीके से हमें उसमें चीजों को रेडी करना है। राइट, ये बातें समझ में आ गई,
आई होप आपको ये वीडियो मुझे अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा सर वीडियो अच्छा लगा या कैसा लगा। और अगर आपके जो भी फ्रेंड्स यार सगे संबंधी होंगे, अगर कोई भी यूपीएससी पीसीएस या किसी भी सिविल सर्विसेज की स्टेट की तैयारी कर रहा होगा, उनको ये वीडियो मेरा प्लीज आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और सकारात्मक रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।